अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि यार आज के स्टूडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यार Daraz.pk के बारे में। अब आप लोगों को पता है कि यार Daraz का 11/11 जो एक कैंपेन होती है नवंबर के महीने में आती है, 11वें महीने में आती है, अब वो जो है ना पर्टिकुलरली स्टार्ट कर दी है Daraz ने, और अब की बार दोबारा से जो है ना यहाँ पे वो क्लेम करते हैं कि ढेरों डिस्काउंट्स वगैरह लगाए हैं। तो वीडियो आप लोग एंड तक देखो, ईच एंड एवरीथिंग Daraz.pk की इस 11/11 सेल के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जितने भी रियलिटी है, जितनी भी चीजें हैं वो इस आज के वीडियो में शामिल हैं। सो मेक श्योर करना वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में यार मुझे लाजमी देना। Daraz के टॉपिक को या Daraz की जो सेल्स आती हैं उनके टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने मैंने इसीलिए छोड़ा, क्योंकि यार ये जो है ना अब पर्टिकुलरली एक स्कैम की तरफ बदल रहा था, और ये आप भी कह लो कि इनडायरेक्ट स्कैम हो रहा है। और देखो यहाँ पे जब मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि यार आप ऑर्गेनाइजेशन को गलत नहीं कह सकते अगर तो आपने थर्ड पार्टी एक्सेस भी दे रखा है। तो अब इसका क्या मकसद है कि यार देखो Daraz के पास सेलर्स भी है ना, और Daraz के कुछ अपने ऑफिशियल प्रोडक्ट्स भी हैं, फिर ऑफिशियल ब्रांड्स भी हैं, तो आप मेक श्योर करो कि यार आप कहाँ से प्रोडक्ट मंगा रहे हो, फिर जो रिव्यू दे रहे हो ना उसको मेक श्योर करते हुए दो। Daraz की जो 11/11 सेल होती है ना यार, ये ओवर हाइप्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप्ड होती है, और रिजल्ट्स इसके बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। ठीक है, मैं काफ़ी टाइम से इस टॉपिक को कवर कर रहा था, बट मैं आप लोगों को क्लियर बताता हूँ कि मैंने जिस तरह कोई प्रोडक्ट खरीदनी होती है ना, अगर उसकी प्राइस 1500 रुपये है नॉर्मल डेज में, तो मैं बोलता हूँ Daraz 11/11 सेल आ रही है उसमें ऑर्डर कर दूंगा। अब मैं जब वो आती है, जब प्रोडक्ट आती है, तब ये क्लेम करते हैं अप टू 70% ऑफ, या फ्लैट भी करते हैं कभी कभी 10% 20%, वो भी अगर इंसान लगाता है ना तो कुछ 1300-1200 रुपये में हमें वो प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, और अगर मैक्सिमम डिस्काउंट पे जाते हैं तो यार जितना ये लोग क्लेम कर रहे होते हैं तो फिर 700-800 रुपये की वो 1500 रुपये वाली प्रोडक्ट मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि भाई ये उतने ही प्राइस में मिल रही होती है सेल के दौरान, और बाज़ औक़ात ये होता है कि ये सेल प्राइस जो नॉर्मल आम दिन में जो प्राइस चल रही होती है ना उससे भी ऊपर होती है। अब इसका रीज़न क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस किया कि यार जब आप थर्ड पार्टी एक्सेस देते हो ना तो ये वाला काम होता ही होता है, क्योंकि अब आपको मिसाल देता हूँ, इससे सेलर्स है ना, अब मेरे को मैं एक नॉर्मल सेलर हूँ Daraz के ऊपर, तो मेरी कोई प्रोडक्ट है वो 100 रुपीज़ की है, अब Daraz उसके ऊपर अगर सेल लगा रहा है कोई 50% ऑफ की या 40% ऑफ की, तो वो 100 रुपये वाली प्रोडक्ट जो मुझे ख़रीदने में 100 रुपये की पड़ रही है, तो यार उसके ऊपर मैं डिस्काउंट लगा कर वो जो मुझे 100 रुपये की ख़रीद है उस पर 40% डिस्काउंट लगा के 60 रुपये की कैसे जो है ना अपना मतलब सेव करूँ यार, मतलब मैं तो लॉस में जाऊँगा ना। तो ये जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन मतलब जो प्रोडक्ट की प्राइस है अगर ओरिजिनल प्राइस 200 रुपये है ना, तो उसको वो 400 रुपये कर देते हैं, ठीक है, और फिर 50% का ऑफ लगाते हैं, तो कितना हो जाता है 200 जो है ना उसकी प्राइस हो जाती है। वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस पहले 400 थी, अब 200 रुपये है सेल प्राइस, और बाज़ात लोग होते हैं कि वो 10 रुपये मतलब कोई पॉइंट आप भी कह लगे 5% या 10% के करीब लगा देते हैं, तो मतलब थोड़ी बहुत 5-10 रुपये जो है ना कम कर देते हैं ओरिजिनल प्राइस से। तो यार इसका तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि देखो ऑब्वियसली डिलीवरी चार्जेस भी लग रहे हैं, फिर एक प्रोडक्ट जो बंदा मंगाता है उसके लिए थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस खासतौर पर अगर आप 500 के अंडर की प्रोडक्ट मंगा रहे हो ना, तो डिलीवरी चार्जेस आपको सबसे ज़्यादा कॉस्ट दे रहे होते हैं, मतलब उस प्रोडक्ट के बनस्बत ना, जितने की प्रोडक्ट नहीं होती उतने के आपके डिलीवरी चार्जेस लग जाते हैं बाज़ औक़ात। जब आप थर्ड पार्टी एक्सेस देते हो ना, ये मैं Daraz से कोई कहना चाह रहा हूँ कि देखो थर्ड पार्टी से जब एक्सेस देते हो ना तो भाई ये चीज़ें होती हैं, और ये जो चीज़ ना उसको काउंटर करना आप लोगों का ही काम है। आप अमेजोन का हाल उठा के देख लो, अमेजोन बिल्कुल क्लीन मार्केट है, अपने और भी ईबे है, अपना बैंगूड है, बहुत सारी हैं वेबसाइट्स आप लोगों को पता है, सबकी सब बहुत क्लीनेस्ट वेबसाइट है, अली एक्सप्रेस का सबसे बड़ा नाम है चाइनीज की अगर हम बात कर लें। Daraz में क्या मसला है, क्योंकि यार पाकिस्तान की वेबसाइट है ना, और पाकिस्तान सो कॉल्ड इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ इस चीज़ को फॉलो नहीं करता। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि Daraz के अपने मॉल पे होती हैं, उसके ऊपर आप लोगों को वाउचर्स दिख रहे होते हैं, बकायदा उसकी इमेज के ऊपर आप लोगों को जो है ना एडिट और जो है ना वाउचर देखने के लिए मिल रहा होता है, वो रियल डिस्काउंट्स होते हैं, जो ऑफर्स वो लगाते हैं वो देते भी हैं। तो आप लोग जो लोग हैं ना, वो इन दो चीज़ों में जो है ना डिफरेंस निकालना हमेशा भूल जाते हैं कि यार सेलर दे रहा है ये Daraz के ऑफिशियल मार्ट से मिल रही है, Daraz के मार्ट की प्रोडक्ट आप लोगों का हमेशा सेल के अंदर उसी प्राइस में मिलेगी, मतलब जो वो क्लेम कर रहे हैं, जितना उन्होंने डिस्काउंट दिया उतना ही आपको डिस्काउंट मिलेगा भी, वो वाउचर देते हैं इस चीज़, ये वाली बात जो है ना आप मेरी याद रखें। ऐसा नहीं है कि Daraz जो है ना ऑफिशियल प्रोडक्ट्स पे अपनी जो है ना डिस्काउंट नहीं देता है, जिस प्रोडक्ट पे उन्होंने डिस्काउंट लगाया वो आप लोगों को डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगी। बाकी कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं पाकिस्तान के अंदर, आप लोगों को पता है सिर्फ ये एक फर्म नहीं है, आप जो भी उठा के देख लो, जो भी आपको ई कॉमर्स स्टोर है उसके ऊपर ओवर मार्केटिंग की जाती है,
गलत मार्केटिंग की जाती है। इवन कि क्लोथिंग स्टोर्स हो गए, वो सारे के सारे जो है ना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज गलत फॉलो कर रहे हैं, मैनिपुलेट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 299 लिखा होता है, लेकिन और दिखाई भी जो है ना जीन्स की पैंट और बड़ी बड़ी पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप स्टोर को विजिट करते हो तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ और ही देखने को मिल रहा होगा। 2000 रुपये से तो जीन्स स्टार्ट हो रही होती है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक उनके स्टोर से जो चीज़ है ना वो स्टार्ट हो रही है 300 रुपये से। तो 300 रुपये में तो कुछ सॉक्स भी हो सकता है, कोई बेल्ट भी हो सकता है, तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम जो लिखा हुआ होता उनके नज़दीक भी ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम इस चीज़ को ये क्योंकि हमारे पास इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग फ्रॉम का मतलब इसलिए समझा पा रहा हूँ कि मुझे मेरे पास मार्केटिंग की बैकएंड की नॉलेज है। वो लोग गलत नहीं है, मैं ये भी आप लोगों को बता दूँ कि जो कैंपेन्स चल रही हैं वो भी गलत नहीं है। अप टू का मतलब हो सकता है भाई 90% तक जा सकता है, अब 90% दिया नहीं है तो हम क्या करें, लेकिन अप टू दिया ना उन्होंने, फ्लैट तो नहीं लिखा ना। फ्लैट का मतलब तो सीधा सीधा 90% आओ, ऐसा तो कोई भी नहीं देता। तो भाई ये प्रॉपर सिनेरियो दराज आहिस्ता आहिस्ता ये स्कैम की तरफ जो है ना आ रहा है, और लोगों का जो फीडबैक है वो बिल्कुल ही जीरो हो रहा है इसके बारे में। लोगों को यही शिकायतें हैं कि यार पहले प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देते हैं फिर जो है ना कम कर देते हैं सेल के दौरान, तो वही वाली प्रोडक्ट की प्राइस देखने के लिए मिल रही होती है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया ये इशू है और ये चलता ही रहेगा। बहुत मुश्किल से मेरे ख्याल से कोई सीन होगा जिसके अंदर जो है ना मेरे ख्याल से सेलर के लेवल्स को ले आए ना अगर, तो उसके अंदर शायद थोड़ा बहुत आप ये कह लो कि जो सफाई है वो हो सके, जिस तरह और मार्केट प्लेसेस के अंदर होता है। बाकी ये कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को कि यार लोकल सेलर से कभी भी आप कोई बड़ी चीज़ परचेज करो, ठीक है। और डिस्काउंट की ऑफर्स अपने जहन में रखो नहीं, अगर आपको कोई दराज मॉल पे या डी मार्ट पे या फिर दराज के ऑफिशियल स्टोर्स के ऊपर अगर कोई चीज़ मिल रही है ना देखने के लिए, आप वो परचेज कर लो और उसका इंतज़ार करो कि दराज की 11-11 सेल में परचेज करने के लिए। बल और जो नॉर्मल जो आपको नॉर्मल सेलर्स वाली देख रही होती हैं, स्टोर के नाम लिखे हुए आ रहे होते हैं वहाँ पे, वो दराज का जो ऑफिशियल स्टोर होगा ना वहाँ डी मार्ट या आप लोग अलग से देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इस चीज़ को यार जहन में रखो, वही प्रोडक्ट लो जो कि दराज मॉल की ऑफिशियल हो। और बाकी नॉर्मल प्रोडक्ट सेल्स में बात कर रहा हूँ, सेल्स में अक्सर फ्रॉड भी होते हैं, ये बात आप याद रखना। और ये पाकिस्तानी है ना, सो कॉल्ड बोलते हुए भी बड़ा अजीब लगता है। मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, बट एज यूजुअल आप लोगों को पता है क्योंकि सेल के अंदर बल्क क्वांटिटीज के अंदर ऑर्डर्स आ रहे होते हैं कस्टमर्स की तरफ से, तो उसके अंदर फ्रॉड करने का चांस क्या गलती होने का चांस आप ये कह लो कि ज़्यादा होता है, तो बहाना भी बहुत ईजिली मिल जाता है। तो आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यार यही था टॉपिक कवर करने के लिए आज के इस वीडियो में। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी नई और एक्साइटिंग स्कीम से वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।